हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन। दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और ये जो आज चैप्टर हम करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, और राइटर का नाम है सुजैन हिल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एनसीईआरटी एनालिसिस करेंगे और लाइन बाय लाइन सब कुछ करेंगे। और सबसे पहली चीज़, ये चैप्टर क्या है? एक प्ले है। द चैप्टर इज बेसिकली अ प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैराग्राफ गिवन है इतना। ठीक है, क्या गिवन है कि दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। मतलब ये जो प्ले है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि एक ओल्ड मैन है और एक स्मॉल बॉय है, और इनकी, हाँ बोलिए, ओके, एक ओल्ड मैन है और एक स्मॉल बॉय है, उनकी मीटिंग होती है इन द फार्मर्स गार्डन। अब फार्मर्स गार्डन का मतलब यहाँ पे ओल्ड मैन के गार्डन की बात की जा रही है, कि ओल्ड मैन का जो गार्डन है वहाँ पे इन लोगों की मीटिंग होती है। तो जो गार्डन होता है वो बेसिकली किसका होता है? मिस्टर लैम का होता है। ये ओल्ड मैन जो है, इसका नाम मिस्टर लैम होता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है कि द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद अ बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफाइंट। मतलब ये जो लड़का है, ये बहुत ही विड्रॉन होता है और अलग थलग रहता है दूसरों से, काफ़ी ज़्यादा एलिनेटेड होता है सोसाइटी के अंदर। लेकिन किसी तरीके से ओल्ड मैन जो है, उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है इस लड़के के साथ। अब ऐसा क्या बॉन्ड होता है, ऐसा क्या, कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर वो दोस्ती होती है, इन दोनों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं बातें, ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमारे को गिवन है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे सीन वन हमारे को दे रखा है प्ले का, वो क्या है मैं बता देता हूँ। सीन वन जो है वो मिस्टर लैम के गार्डन का है, और गार्डन के बारे में क्या बोला गया है कि वहाँ पे ओकेशनल थोड़े बहुत साउंड्स आते रहते हैं, बर्ड्स के सॉन्ग के, बर्ड्स की आवाज़ें आती रहती हैं, और रस्लिंग की आवाज़ आती है। रस्लिंग का मतलब होता है बेसिकली जब कोई लीव होता है उस पर क्रश पैर कोई रख दे और वो क्रश हो जाता है, तो रस्लिंग की आवाज़ आती है वहाँ पे। और डेरी नाम का एक लड़का है जिसके फुटस्टेप्स जो हैं वो सुनाई देते हैं, जो धीरे धीरे चल के आ रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टेंटेटिवली का मतलब होता है हेजिटेटिंगली, मतलब कि हिचकिचाहट के साथ। तो ये डेरी नाम का लड़का जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, ये बहुत ही मेजर करेक्टर है। अभी हम इसके बारे में और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लड़का जो उस गार्डन की जो लॉन्ग ग्रास है, लंबी लंबी घासें हैं, उस पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहा है, और वो थोड़ा बहुत रुक जाता है। ही पॉजेस देन वॉक्स ऑन अगेन, थोड़ा रुकता है और फिर चलने लग जाता है। और ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस। स्क्रीन ऑफ बुशेस मतलब कई सारी झाड़ियाँ जो है, उसकी एक लंबी सी कतार है, उसको स्क्रीन ऑफ बुशेस बोला गया है। तो वहाँ से होते हुए वो आगे आता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड। मतलब जब वो स्क्रीन ऑफ बुशेस को पार करते हुए आता है, तो मिस्टर लैम जिनका ये गार्डन है, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, मिस्टर लैम जिनका ये गार्डन है, वो उसके काफ़ी क्लोज होते हैं जब वो झाड़ियों को पार करता है। और डेरी नाम का जो ये लड़का है, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गार्डन में कोई है, लेकिन जैसे ही ये मिस्टर लैम के पास पहुंचता है, तो डेरी स्टार्टेड, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है मिस्टर लैम को वहाँ पे फेस करके। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे क्या बताया गया है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो बातचीत क्या हो रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो होता क्या है, मिस्टर लैम कहते हैं डैडी से, माइंड द एप्पल्स, कि एप्पल्स पे ध्यान दो। बेसिकली ये जो मिस्टर लैम की, मिस्टर लैम का डायलॉग होता है, ये डैडी को लेके काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं, क्योंकि जो एप्पल्स हैं वो नीचे गिरे हुए हैं ज़मीन पर, और कहीं ऐसा ना हो कि डैडी जो है उन पर चल के फिसल जाए कहीं। तो जैसे ही डैडी मिस्टर लैम को सुनता है, तो वो थोड़ा काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और कहता है, What? Who's that? Who's there? मतलब कौन है वहाँ पे हैं। और मिस्टर लैम जो है वो बताते हैं कि मेरा नाम मिस्टर लैम है, मैं बस ये कह रहा था कि माइंड द एप्पल्स, ये क्रैब एप्पल्स हैं। क्रैब एप्पल्स बेसिकली गोल्डन एप्पल्स को कहा जाता है, जब एप्पल्स काफ़ी ज़्यादा पक जाते हैं उसको क्रैब एप्पल बोला जाता है। एंड विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। अब ये विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास का मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर एप्पल्स जो हवा से नीचे गिर गए हैं उनको विंड फॉल्स बोला गया है यहाँ पे, जो लॉन्ग ग्रास में एप्पल्स पड़े हुए हैं। और मिस्टर लैम कहते हैं डैरी को कि यू कुड ट्रिप, मतलब तुम नीचे गिर सकते हो। तो डैरी कहता है आई देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। तो मिस्टर लैम उसे कुछ कह रहे हैं और डैरी अपने ही ख्यालों में और अपनी ही बातें कह रहा है कि आई देयर, मतलब मैं यहाँ पे, और मेरे को तो लगा था कि ये खाली जगह है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई है। तो डैरी यहाँ पे हड़बड़ा इसलिए जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं डैरी को लग रहा था कि ये प्लेस एक एम्प्टी प्लेस है और यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे आया था। अगर उसे पता होता कि यहाँ कोई पर्सन है, तो शायद वो
यहाँ पे नहीं आता। तो मिस्टर लैम जो है उसे थोड़ा सा एश्योरिटी देते हुए कहते हैं कि दैट्स ऑल राइट, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ बस यहाँ पे, और तुम्हें किस बात का डर है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डैरी कहता है कि अगेन वो सेम बात रिपीट करता है कि आई थॉट कि ये एक एम्प्टी प्लेस थी, एक एम्प्टी घर था, इसलिए मैं आ गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो इट इज़, अभी भी देखो ये घर जो है पीछे ये एम्प्टी ही है क्योंकि मैं अभी यहाँ पे गार्डन के अंदर हूँ। तो वो ये बात पे स्ट्रेस डालते हुए बोलते हैं कि देखो घर तो अभी भी एम्प्टी है, मैं गार्डन के अंदर हूँ और ये एम्प्टी रहेगा जब तक मैं वापस अंदर नहीं चला जाता। इन द मीन टाइम, मतलब उसी वक्त की बात वो बता रहे हैं कि आई एम आउट हेयर, अभी तो मैं यहाँ पे बाहर हूँ और मैं बाहर ही रहूँगा। और देखो कितना ब्यूटिफुल डे है, और ये एक ऐसा डे है जब कोई बंदा अंदर रहने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पे जो लाइंस आपको दिख रही हैं, यहाँ पे इन डायलॉग्स को देख के हम इस बात को समझ सकते हैं कि मिस्टर लैम की किस तरीके की पर्सनालिटी है। बताओ कैसी पर्सनालिटी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखो डायरी जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है और वो कहता है कि आई हैव गॉट टू गो, पैनिक विद पैनिक, मतलब थोड़ा डर के वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरी वजह से तो नहीं जाना होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी व्यक्ति इस गार्डन के अंदर आता है मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, ये गेट जो है हमेशा खुला रहता है गार्डन का, खाली तुम हो जो गार्डन की वॉल से ऊपर चढ़ के आए हो। मतलब जो डायरी होता है वो दीवार टाप के आया होता है, ठीक है, वो गार्डन के गेट से नहीं आया होता और उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे अकेला आने वाला है, ठीक है, और कोई यहाँ नहीं होगा। तो डायरी थोड़ा गुस्से में आ जाता है जब मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम गार्डन की वॉल से आए हो, तुम ही अकेले हो जो ऐसे आए हो, वरना तो गेट ओपन रहता है, क्योंकि डायरी काफ़ी कॉन्शियस होता है इस बात का कि कोई मेरे पे नज़र ना रखे, लेकिन मिस्टर लैम ने उस पर नज़र बना के रखी हुई थी शायद पहले से। तो डायरी कहता है कि तुम मुझे देख रहे थे, तो इतने में मिस्टर लैम कि एक्चुअली तुम मुझे दिख गए, आई सॉ यू, मतलब यहाँ पे देख, इसका सेंस यही है कि तुम मुझे दिख गए, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें देख रहा था, बट तुम मुझे दिख गए। और देखो ये जो गेट है हमेशा ओपन रहता है और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो उन सबका स्वागत है जो भी यहाँ पे आते हैं, यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। और आई सिट हेयर, मैं तो देखो यहाँ पे बैठता हूँ और मुझे यहाँ बैठना काफ़ी पसंद है। अब उन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, बेसिकली बातचीत जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। बोलिए दक्ष। कौन सा क्वेश्चन बताइए, मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि डैरी, मैंने मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि मिस्टर लैम जो है वो किस तरीके के इंसान हैं, उनके इस डायलॉग से क्या पता चलता है। तो वो एक पॉजिटिव किस्म के इंसान है क्योंकि वो डैरी को ये कह रहे हैं कि जो ये डे है इतना ब्यूटीफुल है कि अंदर रहने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई बेवकूफ़ी है जो अंदर रहेगा, मैं तो बाहर ही रहने वाला हूँ अभी। उसके बाद डैरी और मिस्टर लैम के बीच में बस इतनी सी बात हुई है कि मिस्टर लैम उसे कह रहे हैं कि गेट हमेशा ओपन रहता है, तुम गार्डन की वॉल से चढ़ के आए हो, टाप के आए हो एक तरीके से। तो डैरी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और ये कहता है मिस्टर लैम को कि तुम मुझे देख रहे थे, तुम मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मिस्टर लैम का यहाँ पे रिप्लाई होता है कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था, बस मुझे तुम दिख गए और मैं यहाँ पे बैठता हूँ और मुझे यहाँ पे बैठना पसंद है। अब डैरी मिस्टर लैम को एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मैं यहाँ पे चोरी के मकसद से नहीं आया हूँ, ठीक है, होता है ना जब बिना इजाज़त के कोई ऐसे दीवार टाप के आएगा तो ऑब्वियसली कोई बंदा ये ना सोचे कि चोरी करने के लिए आया है। तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन खुद से दे रहा है कि मैं यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो नो, ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा, द यंग लैड स्टील, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो ऐसा करते हैं, स्क्रम, स्क्रम का मतलब होता है चुराना, ठीक है, और तुम तो इतने यंग नहीं हो, तुम तो मैच्योर हो। डैरी इतने में कहता है कि देखो मैं तो बस इसलिए अंदर आना चाहता था, बस गार्डन के अंदर आना चाहता था, और स्पेशली जो डेरी का मकसद था यहाँ पे आने का वो यही था कि वो थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करे, ठीक है, और उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई भी नहीं है इसीलिए शायद वो यहाँ पे आया है। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तुम्हें आना था तो तुम आ गए, हेयर वी आर, अब देखो ये हम दोनों यहाँ पे हैं और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब डैरी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, डैरी अपने बारे में कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो तुम बस एक लड़के हो जो कि 13 या 14 साल के आसपास का होगा। तो डैरी कहता है कि मैं 14 साल का हूँ, ठीक है, लेकिन अब मुझे जाना होगा यहाँ से। अब यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, इस कॉन्वर्सेशन के अंदर आप डैरी के बारे में क्या नोटिस कर रहे हो, कोई बताएगा डैरी के बारे में आप नोटिस क्या कर रहे हो? यस, किसी से बात, अकेला रहना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता और थोड़ा सा नेगेटिव है ना, ठीक है।
इतने में मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो कोई डरने वरने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक गार्डन है जहाँ पे मैं रहता हूँ साथ में, ठीक है। और डैरी कहता है कि देखो मैं किसी से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। अब ये जो पॉइंट है लोग उससे क्यों डरते हैं ये आगे जाके एलेबरेट होगा, ठीक है। तो डैरी कहता है कि भाई लोग मुझसे डरते हैं, मैं किसी नहीं डरता। तो मिस्टर लैम पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, लोग तुमसे क्यों डरते हैं? तो डैरी कहता है एवरीवन इज, मतलब सब लोग डरते हैं, इट डजेंट मैटर हु दे आर, मतलब जो भी लोग हैं जैसे भी हैं लोग मेरे से डरते हैं, और मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं और वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, और वो क्या जताते हैं। बस मुझे पता है जो भी वो सोचते हैं ना, मुझे पता है। अब देखो डैरी के अंदर क्या होता है, गुस्सा भरा हुआ होता है लोगों को लेके। अब यहाँ पे जब दे की बात की जा रही है तो दे में यहाँ पे जनरल लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है, आम जनता की बात हो रही है, जो भी डैरी फेस करता है अपनी लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा की लाइफ में जिन लोगों को वो फेस करता है, ठीक है, बाहर के लोगों को, अननोन लोगों को, उनकी यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या समझ सकते हो तुम, सी वॉट? हाँ, डैरी कहता है देखो मुझे पता है वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो डैरी एक नेगेटिव पर्सन है। इसका रीज़न ये है क्योंकि उसका एक साइड का जो फेस है वो एसिड से बर्नड है, बहुत ही बुरा बुरे तरीके से। और डैरी जो है उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड है लोगों को लेके, एक नेगेटिव उसका एक अप्रोच है लोगों को लेके, क्योंकि उसे लगता है कि लोग कभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो मिस्टर लैम जो है उसे पूछते हैं कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तो डैरी कहता है मैं बात कर रहा हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं जानता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा बताओ क्या सोचते हैं, व्हाट डू दे थिंक देन? आप प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका माइक ऑन है प्लीज़ स्विच ऑफ योर माइक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैरी यू थिंक हियर इज अ बॉय, मतलब अब ये जो डैरी है वो बता रहा है मिस्टर लैम को कि देखो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि देखो ये लड़का है, और जैसे तुम वो मान लो तुम मेरी तरफ देखोगे और फिर तुम मेरे फेस को देखोगे और फिर तुम सोचोगे देखो मेरा फेस कितना बुरा है, कितनी भयानक चीज़ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ है, तुम्हें मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक लगेगा, और तुम फिर मेरे बारे में सोचोगे कि देखो कितना बेचारा लड़का है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बेचारा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, नॉट पुअर, बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूँ। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक तकलीफ, एक पेन जो है वो झलक रहा है उन लोगों का जो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी को फेस कर रहे होते हैं। और हम जो भी कोई जनरल एक पर्सन होता है जब उसको देखता है और उसको सिंपथी फील करता है उसको लेके, उसे पुअर, पुअर मैन, पुअर बॉय, मतलब बेचारा इंसान देखो कैसा है, तो उस टाइम पे दैट पर्सन डजंट फील गुड। आपके सिंपथी की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, तो एनी बडी वुड बी, आई एम, एंड वेन आई लुक इन टू द मदर मिरर, सॉरी, ठीक है। और फिर इतने में डैरी कहता है कि फिर मेरे फेस को देख के तुम डर जाओगे, और यहाँ तुम का सेंस मतलब वो लोगों को, लोगों की बात कर रहा है, लोगों को रेफर कर रहा है कि लोग फिर डर जाते हैं, और कोई भी डर जाएगा, इवन मैं जब अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से भी डरता हूँ, ठीक है। अब अंडरनीथ का मतलब होता है कहीं ना कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, और अंदर ही अंदर भी हो सकता है, ठीक है। अब इतने में उसने लास्ट के अंदर देखो क्या बोली है, एक बात यहाँ पे देखना, लास्ट में उसने एक बात बोली है, व्हाट इज दैट? कि आई लुक इन द मिरर एंड सी इट एंड आई एम अफ्रेड ऑफ मी, कि मैं खुद से डर जाता हूँ। अब इतने में मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, मतलब कि देखो तुम पूरे तरीके से ऐसे नहीं हो जैसा तुम सोच रहे हो, नॉट ऑफ यू, तुम ऐसा नहीं हो। तो डैरी कहता है यस यस, और वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, मतलब कुछ बोलता नहीं है मिस्टर लैम की बात पे, यस बोलता है खाली। इतने में मिस्टर लैम थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, टॉपिक को चेंज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो स्टार्ट होते हैं एक दूसरे पॉइंट के साथ, वो कहते हैं देखो अब तो थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है मुझे, जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं एक काम करता हूँ, लैडर मतलब एक सीढ़ी जो है वो लेके आता हूँ, एक स्टिक लेके आता हूँ, और जो क्रैब एप्पल्स तुम्हें सुनहरे एप्पल्स, गोल्डन एप्पल्स दिख रहे हैं, वो मैं पुल करूँगा, वहाँ से तोड़ूंगा, और वो पक चुके हैं और मैं उनसे जेली बनाता हूँ। और देखो सितंबर का मंथ है, बहुत ही अच्छा मंथ है, और देखो ऑरेंज और गोल्डन कलर के जो एप्पल्स तुम्हें दिख रहे हैं ये बहुत बहुत सुनहरे हैं, बहुत अच्छे हैं, और एक मैजिक फ्रूट की तरह है, एक ऐसा फ्रूट है जो जिसके अंदर एक जादू है, मुझे कहना होगा, बट इट्स बेस्ट पिक, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे इसे पिक करना होगा, मुझे तोड़ना होगा, और दे आर बेस्ट टू बी पिक्ड, और फिर उनकी जेली बनाई जाएगी, और तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, यू कुड गिव मी अ हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मिस्टर लैम ने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, क्यों चेंज कर दिया? हाँ,
क्योंकि डैरी का जो ध्यान है वो उसे हटाना चाहता था नेगेटिव चीजों से ना। तो इतने में डैरी देखो बोलता है, व्हाट यू हैव चेंज सब्जेक्ट फॉर, तुमने सब्जेक्ट जो है वो चेंज क्यों किया, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, तुम मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे हो, तुम मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे, व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, मतलब तुम वैसा ही क्यों कर रहे हो जैसा दूसरे लोग करते हैं, प्रिटेंडेड मतलब वो जताते हैं, इजेंट ट्रू एंड इजेंट देयर इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट आई विल टेल यू, डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। अब लाइन फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से एक लाइन को सुनना। लाइन है कि डैडी कहता है कि तुमने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, लोग हमेशा सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं मेरे से बात करते हुए, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते जो लोग मेरे से पूछते हैं, वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू, मतलब तुम वो क्यों करते हो जो दूसरे करते हैं, एंड प्रिटेंड इट, और तुम ऐसा जता रहे हो जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे तुमने मेरे में कुछ देखा ही नहीं है। इजेंट ट्रू, मतलब क्या ये सच नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें भी फील हो रहा है ना अंदर से मेरे बारे में ये सब कुछ, इजेंट देयर, क्या ऐसा नहीं है। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड, मतलब वो इतने में देखो ध्यान से सुनना कि इन केस अगर तुम मेरे को देखते हो, मेरे बारे में सोचते हो और मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे देखते हुए, मेरे इस फेस को देखते हुए जो जला हुआ है उस, वो अभी यहाँ मेंशन नहीं करा है अभी तक कहीं पे भी चैप्टर के अंदर कि उसका फेस जला हुआ है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनकेस कि तुम अगर मुझे देखते हो देखते हुए एंड माइंड और मुझे देख के तुम अपसेट हो जाते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपसेट हो बट तुम मेरे से ये सब कुछ कह नहीं रहे हो क्योंकि तुम डरते हो मेरे से पूछने से। तो ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे डैरी की फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है दूसरे लोगों को लेके, दूसरे लोग जो इस तरीके के सवाल करते हैं, जो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा फेस जो है वो ऐसा क्यों है या तुम्हारे साथ क्या हुआ, या फिर कई सारे लोग जो उसके फेस को घूरते हैं, तो वो मिस्टर लैम को बस ये कह रहा है कि तुम क्यों वैसा नहीं कर रहे हो अभी, और शायद हो सकता है कि तुम अंदर ही अंदर ये सब कुछ सोच रहे हो लेकिन तुम मुझे कुछ बोल नहीं रहे हो। तो यहाँ पे जितनी भी बातें हैं वो यही शो कर रही हैं कि जो डायरी है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। अब मिस्टर लैम जो है वो उससे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, यू वांट मी, बोलिए। प्रिटेंड का मतलब होता है जताना। तो इतने में मिस्टर लैम जो है वो डैरी को कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, से सो देन, मतलब ठीक है तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं ठीक है ओके। डैरी आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, डैरी कहता है कि भाई मुझे तो लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है चाहे वो कोई भी लोग हो। तो इतने में रिप्लाई आता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो टू लुक एट इट आई शुड से, मतलब अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे फेस के बारे में बात करूं तो मैं यही तो कहूंगा कि तुम्हारा फेस जो है शायद किसी आग वाग से फायर से बर्न हो गया होगा। तो डैरी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, फायर में बर्न नहीं हुआ, मेरे पूरे फेस पे, मेरे एक साइड का जो चेहरा है उस पे पूरे चेहरे पे उतने पार्ट पे एसिड गिर गया था और मेरा पूरा चेहरा जो था उस एसिड ने बर्न कर दिया, जला दिया, खा लिया, इट एट माय फेस अप, मतलब मेरे फेस को पूरा खा लिया, मेरे को अंदर से पूरा खा लिया, एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, मतलब मेरा चेहरा अब बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है और अब ये ऐसा ही रहेगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि जो डैरी का फेस है वो एसिड बर्न है। बोलिए। पहली चीज तो ये एसिड के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है कि उसके चेहरे पे एसिड कैसे गिरा, तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि उसके चेहरे पे एसिड गिर गया था जिसकी वजह से उसका चेहरा ऐसा है, एक साइड का फेस। हाँ बोलिए नेक्स्ट। इजंट देयर का मतलब वो क्वेश्चन टैग होता है, मतलब वो एक तो कह भी रहा है कि क्या ऐसा है क्या ऐसा नहीं है, इजंट इट, तुम यही सोच रहे हो ना, इजंट इट ऐसा नहीं है, इस तरीके से ठीक है ठीक है। अब यहां पे देखो लास्ट में देखो हो क्या रहा है, लास्ट के अंदर अगेन यहाँ पे डायरी जो है उसने शायद एक क्वेश्चन छोड़ा है कि मेरा जो फेस है वो कभी डिफरेंट, मतलब कभी भी चेंज नहीं होने वाला, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। मिस्टर लैम ने इस पर रिप्लाई क्या किया है, नो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, नो मतलब हाँ जो तुम कह रहे हो वो सही है, चेंज नहीं होने वाला है। अब इतने में डैरी कहता है आर नॉट यू इंटरेस्टेड, मतलब क्या तुम जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मिस्टर लैम देखो सीधी सीधी बात है, डैरी को वो बोलता है मिस्टर लैम कि देखो तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन के अंदर आया, और कई सारे लड़के ऐसे हैं जो मेरे गार्डन के अंदर आते हैं, और मैं तो देखो इंटरेस्टेड हूँ तुम में भी और उन सब लोगों में जो भी आते हैं, एनीथिंग कोई भी चीज़, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भगवान ने तुम्हें भी क्रिएट किया है, मैं तुम्हें भी इंटरेस्टेड हूँ, भगवान ने जो भी चीज़ें क्रिएट की है मैं उन सब में
इंटरेस्टेड हूँ। अब इतने में जो मिस्टर लैम है वो डैरी को इशारा करते हुए मतलब एक दूसरे डायरेक्शन में कुछ दिखाते हैं, लुक लुक ओवर देयर, मतलब देखो वहां तुम्हें क्या दिखता है, जो वॉल दिख रही है तुम्हें दूर थोड़ी दूरी पे, जो वॉल दिख रही है वहां तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट कैन यू सी। तो जो डैरी है वो देखता है उस डायरेक्शन के अंदर जहां मिस्टर लैम दिखा रहे हैं, तो वहां पे वो कहता है कि क्या दिख रहा है उसे, रबिश, मतलब बेकार की चीजें, कचड़ा कचड़ा दिखाई दे रहा है। मिस्टर लैम, रबिश, लुक बॉय, लुक, देखो देखो वहां तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें वो रबिश दिख रहा है, वो कचड़ा है तुम्हारे लिए। तो डैरी कहता है अरे क्या है वहां पे, वहां कुछ नहीं है, वहां पे बस थोड़ी बहुत घास है, वैसा ही कुछ स्टफ है, वीड्स है। वीड्स किसको कहा जाता है, किसी को पता है वीड्स किसको कहा जाता है? अनवांटेड प्लांट्स, सूखी ग्रास होती है। स्टफ का मतलब कोई भी चीज, स्टफ का मतलब होता है कोई भी चीज, ठीक है। अब इतने में मिस्टर लैम कहते हैं देखो कई सारे लोग उनको बस वीड्स कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक वीड गार्डन है, मतलब वहां सिर्फ वीड है, वहां सिर्फ अनवांटेड प्लांट्स हैं, और दैट देर इज, हाँ बोलिए कुछ क्या। स्टफ का मतलब होता है कोई भी चीज, ठीक है। तो इतने में मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो देर इज फ्रूट एंड देर आर फ्लावर्स, मतलब अब जो तीन चीजें हैं उनको मिस्टर लैम कंपेयर करते हैं। देखो जो पूरी की पूरी थ्रू आउट कॉन्वर्सेशन डायरी और मिस्टर लैम की चल रही है, उसके बीच में हम यही देख रहे हैं कि डायरी किस तरीके से अपनी नेगेटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है लोगों को लेके, दुनिया को लेके, ठीक है, और जो मिस्टर लैम है वो किस तरीके से उसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि तुम्हें वो वीड दिखाई दे रही है, लेकिन देखो वहां पे फ्रूट्स हैं, जो वो पेड़ हैं वहाँ पे फ्रूट्स हैं, वहाँ पे फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, हर एक तरीके के, बट ओवर देयर वीड्स, और वहाँ पे वीड्स हैं, और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं वहाँ पे वीड्स को ग्रो करता हूँ। मतलब वीड्स ज़्यादातर क्या होते हैं, वो किसी भी एक फसल के साथ उग जाती है, ठीक है, आप उसको उगाते नहीं हो, ठीक है, जो कि एक वेस्ट पार्ट होता है, लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं कि वो वीड्स को उगाते हैं। वाइज बन गए। इतने में मिस्टर लैम क्वेश्चन करते हैं डायरी से कि एक प्लांट जो कि ग्रीन है, ग्रो कर रहा है, उसको वीड कहा जाता है और दूसरे को फ्लावर कहा जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये डिफरेंस कहाँ से आया, इट इज़ ऑल लाइव ग्रोइंग, मतलब मेरे को तो लगता है कि ये बस प्लांट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, और लोगों ने उसे डिवाइड कर दिया है कि वो प्लांट जो है वो एक फ्लावर है वहाँ पे, और ये जो प्लांट है ये एक वीड है। मेरे लिए तो ये दोनों ही एक ग्रोइंग प्लांट है, सेम एज यू एंड मी, मतलब जैसे तुम हो वैसे ही मैं भी हूँ। तो यहाँ पे मिस्टर लैम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें समान होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है तुम्हारे और मेरे में। यहाँ तक समझ आ गया? तो डैरी इतने में कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, वी आर नॉट सेम, हम दोनों एक जैसे नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे ऐसे कैसे नहीं है, तुम देखो मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा एक बर्न फेस है, मेरी एक टिन लैग है। तो मिस्टर लैम की एक टांग जो होती है गाइस वो नकली होती है, टीम की होती है, ठीक है। तो कहते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट, हालांकि मेरी टांग नकली है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम वहाँ पे खड़े हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे है। तो डैरी इतने में थोड़ा सा यू नो पॉज लेते हुए बोलता है कि तुम्हारी तुम्हारी टिन लैग है, वाई हैव यू गॉट अ टिन लैग, तुम्हारी टिन लैग क्यों है। तो मिस्टर लैम, रियल वन, मतलब जो मेरी असली वाली टांग थी वो तो चली गई, ब्लोन ऑफ चली गई काफ़ी साल पहले, ठीक है, और लैमे लैम सम किड से, और मुझे तो कुछ बच्चे जो हैं वो लैमे लैम, लेमे लैम मतलब होता है लंगड़ा लैम, लंगड़ा लैम कहते हैं। अच्छा तुमने सुना नहीं बच्चों को, जो आसपास के बच्चे हैं उनको कभी सुना नहीं कि यहाँ पे एक लंगड़ा लैम रहता है? हैवंट यू हर्ड देम, यू विल, और तुम सुन लोगे, लैमे लैम, और इट फिट्स, मुझे फिट करता है, डजंट ट्रबल मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे मुझे लैमे लैम कहते हैं, मुझे तो मज़ा आता है। तो यहाँ पे मिस्टर लैम की एक पॉजिटिव अप्रोच हमारे को दिखाई दे रही है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, अगर मिस्टर लैम का करेक्टर आता है या डेरी आता है, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं ये प्रूव करने के लिए कि कैसे मिस्टर लैम पॉजिटिव है और डेरी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है शुरुआत से। बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर, इतने में डेरी कहते हैं कि देखो तुम तो अपने जो पैर है जहाँ टिन लैग है आपकी, वहाँ पर आप ट्राउजर पहन सकते हो, ठीक है, एंड कवर इट अप, इसे कवर कर सकते हो, और कोई भी इसे नहीं देख पाएगा, कोई इसको नोटिस नहीं करेगा, कोई इसे घूरेगा नहीं। मिस्टर लैम इतने में कहते हैं हाँ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोग थक जाते हैं इन द एंड, और मेरा मानना यह है कि दूसरी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं जो इतनी ज़्यादा सुंदर हैं, ठीक है। डैरी लाइक माई फेस, तो डैरी इतने में कहता है कि दूसरी कौन सी चीज़ें जहाँ लोग देखेंगे और उन चीज़ों को नफरत करेंगे, जैसे मेरा फेस ना। तो मिस्टर लैम कहते हैं घूम फिर के डैरी बार बार उन्हीं चीज़ों पर आ जाता है, फेस पर आ जाता है अपने। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे फेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ
जैसे एक क्रैब एप्पल्स हैं, गोल्डन एप्पल, वीट्स हो गया, और एक स्पाइडर जो है क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, जैसे एक स्पाइडर होता है, एक मकड़ी जो होती है वो सिल्क जो है उसके जाले बनाती है ना, तो यहाँ पे वही बोला गया, जैसे एक स्पाइडर जो है वो सिल्कन लैडर, मतलब जो अपना सिल्क का एक लैडर वो बुन रहा है उस पर क्लाइंब करता हुआ, स्पाइडर हो गया, वीट्स हो गया, क्रैब एप्पल्स हो गए, माई टॉल सनफ्लावर्स हो गए, ये सब कुछ देखने में कितना सुंदर है, ये सब कुछ देख सकते हैं लोग, है ना। तो डायरी कहता है थिंग्स, बिल्कुल सही कहा, थिंग्स मतलब दूसरी चीजें जो हैं। अब सिल्कन लेटर मकड़ी के जाले को बोला गया वैसे यहां पे, ठीक है। तो मिस्टर लैम इतने में एक डायलॉग बोलते हैं, ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है, और डायलॉग क्या है देखो, इट्स रिलेटिव ब्यूटी एंड बीस्ट, ये कहानी है ब्यूटी एंड द बीस्ट की, ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी है। हाँ बोलिए। हाँ मिस्टर लैम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और डैरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स ऑल रिलेटिव, कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती है। ब्यूटी एंड द बीस्ट का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसमें एक प्रिंसेस जो होती है, एक लड़की जो होती है, उसको एक राक्षस से प्यार होता है, एक बीस्ट जो कि एक राक्षस है, ठीक है। और वो बीस्ट एक्चुअली में एक चार्मिंग प्रिंस होता है, लेकिन वो कर्स्ड होता है और एक बीस्ट दिखाई दे रहा होता है, और जब वो ब्यूटी, ब्यूटी उस गर्ल का यहाँ पे नेम है, तो ब्यूटी जब उस बीस्ट को किस करती है तो वो बीस्ट एक चार्मिंग प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही फेमस स्टोरी है ये, आप में से किसी ने पढ़ी है स्टोरी? चलो तो इसमें लिखा है कि इसका मतलब क्या है, वॉट इज दैट सपोज टू मी। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम मुझे बताओ इस कहानी का मतलब क्या है, ब्यूटी एंड द बीस्ट इसका जो रिलेटिव टर्म है वो क्या है, तुम क्या समझते हो इससे। इतने में डैरी कहता है कि यू नीड नॉट थिंक दैट दे हैव ऑल टोल्ड, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी। तो इतने में डैरी कहता है कि देखो चिंता मत करो तुम, मुझे सारी बातें पहले ही लोग बोल चुके हैं, मुझे सारी बातें लोग बोल चुके हैं। यहाँ पे दे अगेन लोगों की बात की जा रही है कि सारी बातें मेरे को बोल चुके हैं लोग, दैट फेरी स्टोरी बिफोर, मतलब मुझे पहले भी लोग इस फेरी स्टोरी के बारे में बता चुके हैं। इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, मतलब स्टोरी में यही बताया गया है ना कि जैसे तुम दिखते हो वैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम अंदर से कैसे हो। जैसे एक प्रोवर्ब होती है, हैंडसम इज एज हैंडसम डज, मतलब अच्छा इंसान वो होता है जो अच्छा कर्म करता है, ना कि वो जो अच्छा दिखता है। तो मतलब डायरी यहाँ पे कह रहा है कि देखो तुम मुझे ये सब मत बताओ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी कई सारे लोग इस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश कर चुके हैं कि अच्छा इंसान वो होता है जो अच्छे कर्म करता है, ना कि जो दिखता है। बोलिए। फेरी स्टोरी मतलब परियों की कहानी, कोई भी एक परियों की कहानी। हाँ लोग उसको सिंपथी शो करते थे, तो वो यही कह रहा है कि भाई लोग मुझे मोटिवेट कर चुके हैं इन सारी कहानियों से, तो तुम मुझे मत बताओ कहानी के बारे में। वो कहता है कि देखो ब्यूटी जो है वो किस करती है एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट को, मतलब एक राक्षस को, एक कहानी के अंदर फॉर हिमसेल्फ उसके लिए, और फिर जब जो ये ब्यूटी है उसे किस करती है तो वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। एंड ओनली ही वुडेंट, मतलब अगर वो नहीं करती, ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, मतलब जैसे मानो अगर वो किस नहीं करती तो वो हमेशा मॉन्स्ट्रस बीस्ट रहता। और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तो कोई किस करने वाला नहीं है, मैं तो नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम कहता है इन दैट वे नो यू वॉन्ट, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से समझना इस लाइन का मतलब क्या है। इन दैट वे मतलब कि जब डैरी कहता है कि मेरा फेस तो कभी बदलने वाला नहीं है, तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अगर तुम उस वे में सोच रहे हो, उस वे में मतलब कि भाई फेस जो है वो ठीक हो जाएगा वापस, तो कहता है हाँ उस वे तो तुम्हारा फेस कभी बदलने वाला नहीं है। क्योंकि मिस्टर लैम यहाँ पे जिस ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं डायरी के अंदर, वो फिजिकल अपीयरेंस के ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश नहीं कर रहे, वो उसके कंसाइंस के अंदर, उसकी अंतरात्मा जो है, उसकी जो स्पिरिट है, या मैं कह सकता हूँ उसका जो माइंड सेट है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि इन दैट वे यू नो नो यू वॉन्ट, मतलब कि उस तरीके से तो तुम नहीं बदलने वाले, लेकिन यहाँ मिस्टर लैम दूसरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अब इतने में डायरी कहता है कि देखो कोई भी मुझे किस नहीं करने वाला, जैसे उस ब्यूटी ने उस बीस्ट को किस किया था, खाली मेरी मदर ही है जो मुझे किस करती है, और मेरी मदर भी मुझे फेस के दूसरी साइड किस करती है, और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी मदर मुझे किस करे। मेरी मदर तो मुझे इसलिए किस करती है क्योंकि उनको करना पड़ता है, एंड वाई शुड आई लाइक दैट, और मुझे पसंद भी नहीं होगा ये, आई डोंट केयर, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस करे या ना करे। इतने में मिस्टर लैम थोड़ा सा उसकी यू नो लेग पुलिंग करते हुए कहते हैं कि अह बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। तो मिस्टर लैम को जब वो कहता है ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जो कोई है मुझे किस करे, तो
तो इतने में मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम नहीं कर पाओगे, उनका छोड़ो कि वो करेंगे नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हें क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम नहीं कर पाओगे, यू नेवर किस देम। तो डैडी पूछता है किसकी बात कर रहे हो तुम, किसको किस करने की बात कर रहे हो। मिस्टर लैम, देखो लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, सुंदर सुंदर लड़कियाँ, लंबे बालों वाली लड़कियाँ, बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़कियाँ, पीपल यू लव, मतलब उन लोगों को तुम किस ना कर पाओ जिनको तुम प्यार करते हो, तुम्हें कैसा लगेगा। ये सारी जो बातें हैं ये यहाँ पे हमें यही शो कर रही है कि मिस्टर लैम जो है उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डैडी कहता है कि हु वुड लेट मी, कोई मुझे किस करने भी देगा, नॉट वन, मतलब एक भी व्यक्ति नहीं है जो मुझे किस करने देगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं कौन जानता है, हु कैन टेल, कौन बता सकता है। तो डैडी इतने में कहता है कि देखो मेरा चेहरा तो कभी बदलने वाला नहीं है, जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो भी मेरा चेहरा वैसा का वैसा ही रहेगा, आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मतलब बूढ़े हो जाने के बाद भी मेरा फेस वैसा का वैसा ही रहेगा, हाफ फेस ही रहेगा जो मेरे पास है, ठीक है, हाफ तो बेकार का बेकार रहेगा। तो इतने में मिस्टर लैम क्या कहते हैं, सो यू विल, मतलब तुम वैसे के वैसे ही रहोगे, द वर्ल्ड वॉन्ट, तुम तो देखो वैसे के वैसे ही रहोगे लेकिन वर्ल्ड तो वैसा का वैसा नहीं रहेगा ना। मतलब यहाँ पे वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक वर्ल्ड जैसा है जरूरी थोड़ी है कि आगे भी तुम्हारे साथ वर्ल्ड वैसा ही रहे। द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस, वर्ल्ड के पास तो पूरा फेस है ना, एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, और ये दुनिया देखो कितनी खूबसूरत है, इसको तो देख सकते हो ना, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, द ओल्ड गार्डन। तो इतने में डैडी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये जो आसपास तुम्हारे है ये कोई वर्ल्ड है, ये कोई दुनिया है, ये ओल्ड गार्डन कोई दुनिया है। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ भाई मेरे लिए तो यही दुनिया है, जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे लिए यही दुनिया है, नॉट द ओनली वन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दुनिया है बट द वर्ल्ड, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हर एक जगह की, किसी भी जगह की, जहाँ पे भी हम हैं वो हमारे लिए वहाँ की दुनिया है। अब ये जो सारी की सारी बातें हैं ये यहाँ पे यही शो कर रही हैं कि मिस्टर लैम उसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा चेहरा तो नहीं बदलेगा लेकिन जो वर्ल्ड है वो तो चेंज होगा ना, आज तुम्हारे साथ किस तरीके से लोग पेश कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे जाके तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश करें पेश आए, और जो वर्ल्ड है वो कितना ब्यूटीफुल है, वर्ल्ड कितना बड़ा है। तो जब डायरी आगे करता है कि ये गार्डन वर्ल्ड थोड़ी ना है, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे लिए तो ये वर्ल्ड है जब मैं यहाँ पे हूँ, और मेरे लिए जो वर्ल्ड है वो जगह है जहाँ पे मैं होता हूँ, और तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड है तुम एक्सप्लोर अगर करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अभी वर्ल्ड जो है वो बचा हुआ है और तुम्हें उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एम एमएल बोल रहा हूँ, जो मिस्टर लैम है वो उसको किस तरीके से पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डैरी जो है वो बात को थोड़ा सा काट देता है और कहता है कि क्या तुम्हारा जो लेग है वो तुम्हें हर्ट करता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो टिन जो है वो दर्द तो नहीं देता, ठीक है बॉय। तो इतने में रिप्लाई आता है कि अच्छा जब तुम्हारी टांग चली गई थी, मतलब जब बेसिकली जब तुम्हारी टांग चली गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो उस टाइम पे दर्द हुआ था। तो ही रिप्लाइज कि हाँ बिल्कुल हुआ था। अच्छा अभी दर्द होता है, मतलब जहाँ पे तुम्हारी टिन ख़त्म हो जाती है, जहाँ से तुम्हारा पैर ऊपर से टिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है घुटने से, तो वहाँ दर्द होता है ऊपर की तरफ एट द टॉप। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ होता तो है कभी कभी, जब ठंडा मौसम होता है, वेट वेदर होता है, थोड़ी बारिश की बात होगी तब थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इट डजंट सिग्निफाई, मतलब वो कहता है कि मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता। डैडी, ओ दैट समथिंग एल्स, व्हाट से लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड, मतलब इतने में ना मिस्टर लैम जो है जब ये बात बोल रहे होते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस दर्द से, तो इतने में डैडी फिर से याद करते हुए उन लोगों को जो उसे सिंपथी देते हैं, और कहता है कि वो लोग ये भी कहते हैं कि देखो तुम उन लोगों को देखो जो तुम्हारे से जो पेन में है, जो लोग बहादुर हैं, जो कभी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी बुरा नहीं मानते हैं किसी चीज़ का। जैसे होता नहीं है कि जब कोई बंदा नेगेटिव फील कर रहा होता है तो उसको मोटिवेट किया जाता है, देखो उसको देखो वो कितना सही है, वो भी तो पेन में है, वो थोड़ा परेशान है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो वही एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है कि इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं कई बार, ठीक है। अब मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, तो इतने में मिस्टर लैम कहते हैं देखो मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा किसी को भी, जो तुम कह रहे हो वैसा मैंने कभी किसी को नहीं कहा। एंड डैरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, मतलब इतने में डैरी कहते हैं कि कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम अपने बारे में सोच रहे हो, तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज़्यादा बुरे हालात के अंदर है, मतलब डैरी का फेस बर्न्ड है, वो उससे भी ज़्यादा बुरे हालात में है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तो इतने में जो वो है डैरी वो कह रहा है कि लोग कहते हैं कई बार कि देखो डैरी तुम अगर अंधे होते, अगर तुम बहरे होते तो तुम्हारा क्या होता, अगर तुम व्हील चेयर पर रहते दुनिया भर पूरी ज़िंदगी, और बी डेफ्ट इन योर हेड, डेफ्ट इन योर हेड, डेफ्ट का मतलब होता है पागल, कि तुम्हारे सर में मतलब तुम पागल होते, एंड ड्रिबल, ड्रिबल भी उसी को कहते हैं, पागल इंसान को कहते हैं, ठीक है, अगर तुम पागल होते तो तुम क्या करते। तो यहाँ पे डैरी उन्हीं लोगों की जो बातें हैं उनको स्टेट कर रहा है कि कई सारे लोग कहते हैं कि लोग पेन में हैं वो तो कंप्लेन नहीं करते, तुम तो तुम कर रहे हो, तुम भी तो जी सकते हो इस तरीके से, लोग तो तुम्हारे से भी बुरे हालात के अंदर है लेकिन तुम अपने से परेशान हो पता नहीं क्यों,
तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो इतने में मिस्टर लैम कहता है एंड दैट्स ऑल ट्रू, तो वो सही है एंड यू नो इट, तुम्हें पता है ये चीज़ें कि इससे भी बुरा हो सकता था। तो डायरी में कहता है इतने में कि इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, कि मेरा जो फेस है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। डू यू नो वन डे, मतलब इतने में वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा, पहली बार वो अपने बारे में कुछ बता रहा है। वो कहता है कि एक दिन की बात है, एक वुमेन जो थी वो मेरे पास से गई स्ट्रीट के अंदर, और वो मैं उस टाइम पे एक बस स्टॉप के पास था, और वो वुमेन जो मेरे पास से गई वो एक दूसरी वुमेन के साथ थी, उसके साथ में एक दूसरी महिला थी। और जो पहले वाली महिला है उसने मेरे फेस को देखा और उसने थोड़ा सा मतलब धीमी आवाज़ में विस्पर्ड करते हुए, मतलब थोड़ी धीमी आवाज़ में दूसरी वाली वुमेन को बोला, और जो डायरी है उसको ये आवाज़ सुनाई दी थी। शी सेड लुक एट दैट, मतलब होता है ना साइड में कान में आवाज़ करते हुए बोलती है, वो देखो कैसा कैसा है, वो उसका फेस देखो, इस तरीके से लोग करते हैं ठीक है आपस में, लुक एट दैट दैट्स टेरिबल थिंग, कितना भयानक है, दैट्स ओनली फेस, दैट्स फेस ओनली अ मदर कुड लव। इतने में वो ये भी कहती है कि देखो ये फेस जो है तो इसकी मम्मी ही लव कर सकती है और कोई लव नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्रूअल होती हैं थोड़ी सी। तो मिस्टर लैम कहता है कि भाई तुम जो भी सुनते हो तुम क्या उस पर बिलीव करते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो कह रही है वो तुम्हारे लिए कह रही हो। तो डायरी कहता है कि देखो मेरे लिए तो मुझे पता है वो ही कह रही थी, और वो क्रूअल है, बहुत ही निर्दयी थी वो ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमें ये दिखाती है कि लोगों के बारे में डायरी नेगेटिव क्यों सोचता है। व्हाट डू यू थिंक, क्यों सोचता है डायरी नेगेटिव लोगों के बारे में? तो वही है, इस्लाम कहते हैं मे बी नॉट मेंट एज सच, मतलब हो सकता है कि वो वैसा मीन मेंट ना किया हो जो जैसा जैसा तुमने सोचा है, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, क्या पता उनके बीच में कोई बातचीत हो रही हो ऐसी वैसी, तुमने सही से सुन ना पाया हो, जैसे होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी ने बोला कुछ हमने सुना कुछ बताया कुछ, फिर उसको उस बंदे ने रिएक्ट कुछ और ही कर दिया। डायरी ओनली आई हर्ड इट, मैंने सुना है, आई हर्ड, मुझे पता है मैंने क्या सुना। मिस्टर लैम एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सिर्फ यही सुना है तुमने आज तक, मतलब और कुछ नहीं सुना इससे बुरा अपनी लाइफ के अंदर? कहते हैं ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने तो बहुत कुछ सुना है। तो मिस्टर लैम कहते हैं अपने कानों को ना बंद रखो। डैरी कहता है यू आर पीकुलर, तुम बड़े अजीब बड़े अजीब हो, बड़ी अजीब अजीब बातें करते हो और तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो, मेरे को समझ नहीं आता तुम्हारी बातें। मिस्टर लैम की बातें डैरी को समझ नहीं आ रही होती। मिस्टर लैम देखो मुझे तो भाई बात करना पसंद है, मुझे तो मज़ा आता है, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते भाई मत दो ठीक है। यू डोंट हैव टू स्टॉप, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, देखो गेट ओपन है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जा सकते हो, तुम्हें जाना है तो जाओ। यस बट इतने में डैरी जो है वो कुछ शांत हो जाता है यस बोल के, कुछ बोलना चाहता था कुछ बोलता नहीं है। मिस्टर लैम आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, हाइव ऑफ बीज यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते को बोला गया है, कि मेरे पास बीज का एक छत्ता है पीछे ट्रीज के उधर देखो, वहाँ पे तुम्हें छत्ता दिखाई देगा और वहाँ पे अब मिस्टर लैम जो है वो ये कमेंट कर रहा है। अब मिस्टर लैम थोड़ा अजीब होता ही है, वो कुछ अलग बातें करता है। वो कहता है कि सम हियर बीज, मतलब कुछ लोग जो हैं वो मधुमक्खियों की आवाज़ को सुनते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो बीज है ना वो बज़ करती हैं। बज़ का मतलब क्या होता है पता है आपको? जो उनकी इरिटेटिंग आवाज़ होती है उसको बज़ कहा जाता है, मधुमक्खी की इरिटेटिंग आवाज़ जैसे इस तरीके की आवाज़ जो होती है उसको बज़ कहा जाता है। तो कुछ लोग जो है उनको लिए वो बज़ होता है, मतलब इरिटेटिंग आवाज़ होती है। बट व्हेन यू लिसन टू बीज, मतलब लेकिन अगर तुम ध्यान से उनको लंबे समय तक सुनोगे तो दे हम मतलब वो बज़ नहीं करती, हम करती हैं। हम का मतलब होता है सिंग करना, मतलब गाना। तो मिस्टर लैम को जो बीज की आवाज़ होती है वो बजिंग नहीं लगती बल्कि हमिंग लगती है, मतलब एक स्वीट सॉन्ग की तरह लगता है। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मतलब इतने में मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई मेरी जो बीज है उनको मैं कई बार सिंगिंग करते हुए सुनता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डैरी जो होता है वो काफ़ी शौक हो जाता है। बट आई लाइक इट हेयर आई केम इन, इतने में डैरी कहता है कि मुझे देखो यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो अच्छा लगा बाहर से, इसीलिए मैं अंदर आया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने वॉल के ऊपर से देखा तो ये जगह मुझे अच्छी लगी इसीलिए मैं यहाँ पे आया। तो डैरी यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा है मिस्टर लैम को अपने दिल की बात। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा असर होने लगा है क्योंकि अब डैरी पहले कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा था लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो डिस्क्लोज करने लगा है। तो मिस्टर लैम जिस चीज़ की कोशिश कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे आगे आ रही होती है। बट आई लाइक इट हेयर आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, तो ये हो गया। मिस्टर लैम इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, तो इतने में जो मिस्टर लैम है वो कहता है कि भाई तुमने मुझे अगर देख लिया होता ना तो तुम कभी भी यहाँ नहीं आते। तो डैरी कहता है हाँ हाँ नहीं नहीं, मतलब नहीं आता वो। मिस्टर लैम नो डैरी इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, तो डैरी जो है वो कह रहा है कि देखो अगर मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर यहाँ आता तो मतलब तुम होते और मैं देख लेता और फिर भी आता तो ये ट्रेसपासिंग होता ना, इलीगल होता ना, गलत होता ना, क्योंकि किसी की मर्जी के बगैर किसी के घर में आना ये गलत बात होती है। बोलिए किसी को पूछना है कुछ, चलो।
मिस्टर लैम, ओ दैट्स नॉट वाई, मतलब इतने में जो मिस्टर लैम है कहते हैं हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये इसलिए नहीं आए ना तुम। लेकिन डैरी अब जो है वो असली बात बोलता है, पहले तो वो ऐसे ही बोल रहा था ट्रेस पासिंग होता है ये, लेकिन उसमें उसके दिल में कुछ और होता है। और डैरी कहता है कि देखो मुझे ना लोगों के पास रहना पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी लोग मुझे घूरते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, मैं देखता हूँ ना लोग मेरे से डर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको गाइस? हमारे लगभग गाइस 6 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और इसके अंदर 18 पेजेस हैं, तो हमारी स्पीड सही रही है वैसे। और अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे 3 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, हो सकता है क्या पता हो जाएगा, तो अगले 6 पेजेस जो हैं हम इससे आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें, खुद पढ़ने की कोशिश करें। तो गाइस जो अभी भी देख रहा है वीडियो, मेक श्योर अगर आप में से कोई यूट्यूब पे बाद में देखता है तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ आर वीडियोस।